रोल। सो टीना, बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकले हो, मम्मी के साथ आ गए हो डिनर करने, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, अभी फाइनली अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। एंड सबको पता है कि मैं बिग फूडी और मुझ में खाने की बहुत शौकीन हूँ। सो या, गुड फूड अवेट्स। तो इसी के साथ ही बिना विदाउट सेल फोन, बिना कुछ मतलब सोशल मीडिया से कोई नाता ना रखते हुए आप घर में इतने दिन रहे, बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पे आपने क्या कुछ देखा? ऑनेस्टली बहुत पॉजिटिविटी देखा, बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, फैंस इतने सारे और नए फैंस मेरे साथ जुड़े हैं, नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो इतना प्यार मिला है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड या, अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि फ़ोन के साथ ना इतना यूज टू नहीं हुए है, यू नो, मतलब थोड़ा सा ऑफ लगता है एंड कम भी यूजेज हो रही है फ़ोन का, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसी के साथ ही बिग बॉस की आवाज़ को कितना मिस कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा बहुत ही मिस कर रही हूँ। इसी के साथ ही टीना, आपकी कई बिग बॉस हाउस में जो आपकी दूध का प्रॉब्लम हुआ था और माहिम को लेकर मतलब कई कंट्रोवर्सीज हो रही है, लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन लोगों को कैसा जवाब देना चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब बाहर आई हूँ मेरे को ट्रोलिंग इतना ज़्यादा दिखा नहीं, रादर मैं बहुत खुश थी कि ट्विटर में जब तक मैं थी एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे मैं टॉप 5 में ट्विटर में मैं ट्रेंड कर रही थी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, जो कभी अंदर किसी ने, कोई भी होस्ट ने या कोई भी गेस्ट ने जिक्र नहीं किया, बट टचवुड इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग। माहिम को लेके जो लोगों ने बोला है, आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर, बिकॉज मैं इकलौती कंटेस्टेंट थी जो हर रोज़ माहिम का कटोरा धो के रखती थी, माहिम का सूसू के कपड़े, हर चीज़ धो के रखती थी, हर कुछ मैं करके रखती थी, कोई और करता भी नहीं था, वो बेचारी अकेले शोरूम के बाहर सोई रहती थी, मैं ही उसको बुला बुला के अपने रूम में अपने साथ में रखती थी। सो आई थिंक दैट इज़ टोटली अनफेयर, मतलब क्या होता है 24 घंटे हम लोग वहाँ पे घर के अंदर बिताते हैं और आप लोग सिर्फ एक से डेढ़ घंटा देखते हैं, सो वो नैरेटिव थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी के साथ ही शालिन के साथ जो रिश्ता आपका ऑन कैमरा देखा गया वहाँ पर, उसे भी लेकर लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं कि आई थिंक सिर्फ मेरे बारे में बात करते हैं ना, किसी और के बारे में क्यों बात करना, जो घर के अंदर है इन्जॉय कर रहे हैं उनको इन्जॉय करने दीजिए। तो जैसे कि आप घर में आप बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ भी रहकर आए हो, तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसकी बातों का आप मतलब वो भूल नहीं पाएंगे, उसकी बातें मतलब जिसने आपको हर्ट किया हो? आई थिंक जो भी नेगेटिविटी था, जो भी बातें थी, मैं घर के अंदर ही छोड़ के आ चुकी हूँ। मैं लैच ऑन नहीं करती हूँ चीज़ों को लेकर, बिकॉज इट्स बेटर टू मूव ऑन इन लाइफ, सो मैं मूव ऑन करना पसंद करती हूँ। इसी के साथ ही घर में ये भी देखा गया था कि आपकी प्रियंका और अर्चना से इतनी तो नहीं बनती थी, लेकिन घर से निकलने से कुछ दिनों पहले ही आपके उनसे मेरी 8-9 हफ्ते से प्रियंका के साथ हमारी दोस्ती का बॉन्ड चालू हुआ, विच इज़ लाइक 2 months, 4 महीने में 2 महीने में हमारा बॉन्ड बना है। पहले भी हमारे बातें होती थी, बदतमीजी मेरा प्रियंका के साथ कभी भी नहीं था। इक्वेशन बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है, सो टाइम लगा, बट इन अ गुड वे, अच्छा ही हुआ कि टाइम लगा और हम आज इतने अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू। अर्चना के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अर्चना भी बहुत स्वीट है यार, उसकी शायरियाँ इतनी मज़ेदार होती है, वो दिल की अच्छी है, थोड़ी सी कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाती है, बहक जाती है भावनाओं में, बातों में, बट शी इज़ अ नाइस गर्ल, मतलब बाहर आएंगे तो बाहर ऐसे नहीं है वो। इसी के साथ ही इस हफ्ते कई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो मतलब मैं ऑनेस्टली नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, सच बोल रही हूँ, मैं जब से बाहर आई हूँ मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, सो या वो मेरा डिटॉक्स चल रहा है बिग बॉस से, सो थैंक यू सो मच। विनर के रूप में आप किसको देख रहे हो? प्रियंका फॉर श्योर। और स्टैंड के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लड़का है डेफिनेटली, सो अच्छे से खेले, गॉड ब्लेस हिम। और इसी के साथ ही अगर शालिन बाहर आते हैं तो नो टॉक्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी के पास
मैम या राइट में मैम देखिए। कुछ तो पूछो।